2021 पश्चिम बंगाल के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव, वो 2021 में। मैं प्रथम सेवक की हैसियत से, याचक की दृष्टि से हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूँ कि पश्चिम बंगाल की छवि बदलनी चाहिए। हमारे यहाँ हर चुनाव रक्त रंजित हो, हर चुनाव हिंसा से ग्रसित हो, वो नाम हमारा नहीं होना चाहिए। हर मतदाता को एक अधिकार मिले, फेयरली फेयरलेसली वो अपना मत व्यक्त कर सके। राज्यपाल की हैसियत से राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं, मेरे को बड़ी पीड़ा होती है, मेरा मन अंदर से रोता है जब माँ भारती के सपूत को, भारत के नागरिक को पश्चिम बंगाल में कुछ लोग संविधान को तिलांजलि देकर, संविधान की अनदेखी कर क्या करते हैं कि आउटसाइडर। मन दुखी होता है जब अन्नदाता के पेट पर लात लगती है। पूरे देश के किसानों को कोई नहीं बचा है। कुल 10 करोड़ किसान है देश में, उसको जमीन छोटी हो चाहे ज्यादा हो, छोटा किसान हो, कम जमीन हो चाहे ज्यादा जमीन हो, हर किसी को केंद्रीय स्कीम पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। अब तक 14,000 मिल चुके हैं, 14,000 मिल चुके हैं। हर किसान को पूरे देश में उसके खाते में सीधे 14,000 रुपये मिले, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कट के सीधे मिले। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को ये नहीं मिला है। मेरी याचना है, मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, राजनीति किसी भी तरीके से करें, राजनीति के अंदर जनता का ऐड नहीं होना चाहिए। जो भी देश में प्रांत की और देश की स्कीम्स हैं, जनता को भरपूर फायदा मिलना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का अवरोधक पैदा करना, कटौती पैदा करना, कमी करना इज नॉट गुड पॉलिटिक्स, इट इज बैड इकोनॉमिक्स। ये कहना चाहता हूँ, सरकारी तंत्र का काम राजनीति करना नहीं है, सरकारी अधिकारी का काम राजनीति करना नहीं है। पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल वर्कर। पब्लिक सर्वेंट का काम है पब्लिक का काम करना। भारत के संविधान के तहत निर्मित नियम क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट विल हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। जब मैं देखता हूँ कि सरकारी तंत्र, पुलिस अधिकारी, प्रशासन राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है, दे आर प्लेइंग विद फायर। आपने घटनाक्रम देखा है, जो कानून के दायरे से बाहर जाएगा वो कानून के शिकंजे में निश्चित रूप से आएगा। और चूंकि मेरा दायित्व है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से होंगे। कोई भी यदि अगर इस मुगालते में है कि वो कानून के दायरे से बाहर है, तो मैं आगाह करना चाहता हूँ, समय रहते उनको चेत जाना चाहिए, कानून का शिकंजा उनसे दूर नहीं है।